hello subscribers and my dear students today i am giving to you chapter 10 question if you will complete the answer of these following question you will complete the whole lesson of ncrt so now let us start the questions question number 1 राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ बिवरेजेस एंड बेकरी प्रोडक्ट्स बिवरेज जैसे कि आप जानते हैं वियर वाइन विस्की में आता है ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स आते हैं और बेकरी के अंदर आते हैं बिस्किट बन ब्रेड ये सब आते हैं ओके okay? नाउ क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज लैब जैसे कि हम जानते हैं एसिड एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्टिंग्विश बिट्वीन आरकी बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ एक् ना क्वेश्चन नंबर फोर मैंशन द डिफरेंट शेप्स of bacteria and who discovered the bacteria. Question number five, what is todi and how it is prepared? Question number six, how rock food cheese and Swiss cheese are

कि रॉक चीज़ और स्विस चीज़ जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं और किन माइक्रोब्स की मदद से रॉक चीज़ और स्विस चीज़ बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड मेंशन द नेम ऑफ देयर माइक्रोब्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर तो इस क्वेश्चन नंबर सेवन में रॉक फ्रूट और स्विस चीज़ टेक्सचर में बताना है कि ये कैसे डिफरेंट है और किन माइक्रोब्स की मदद से ये दोनों तरीके के चीज बनाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ना क्वेश्चन नंबर एट हाउ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ दी हाउ दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर्म्ड एंड मेंशन देयर माइक्रोब्स नंबर वन सिट्रिक एसिड नंबर टू एसिटिक एसिड नंबर थ्री ब्यूट्रिक एसिड नंबर फोर लैक्टिक एसिड एंड नंबर फाइव इथेनॉल Next question Write the importance of following enzymes. Question number uh, following enzymes Number one, lipase. Number two, protease and pectinase. Number three, streptokinase. Now, next question write the importance of following bioactive molecule number 1 cyclosporin number 2 statin now next question what is sewage and how the treatment of sewage takes place explain this process with diagram Next question What is BOD? And mention the scale of fresh and dirty water. What is activated slug? Next question Explain the process of production of biogas plant. एंड मेक द डायग्राम ऑफ इट नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ बीटी बीटी अन बेसिलस थ्रंजेनेसिस हाउ बीटी एक्ट एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन बीटी कॉटन प्लांट Next question Write the scientific name of baculovirus and its importance. Next question How microbes act as a biofortification? Okay, correct it. क्वेश्चन नंबर टेन हाउ माइक्रोव्स एक्ट एज ए बायो फर्टिलाइजर लिसन अगेन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ माइक्रोव्स एक्ट एज ए बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताना है जैसे लेग्यूम प्लांट होते हैं एट फ्री लिविंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं माइकोराइज़ा होता है तो जब हम सॉइल की फर्टिलिटी बायोलॉजिकल रिसोर्स या बैक्टीरिया या फंगाई के जरिए हम इंक्रीज करते हैं तो उसे कहते हैं बायोफर्टिलाइज़र इस प्रोसेस में किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता और बायोलॉजी की मदद से ही नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉट इज फर्मेंटेटर्स And explain the process of fermentation with reaction. I think all of you will prepare all these questions. I have given to all of you twenty questions which are completing that lesson 10. I think all of you will write the answer of following questions, and you will learn. Then definitely you will get good marks in examinations. Okay.